हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो बड़े डिसीजन लिए। सबसे पहली बात, जो विधानसभा में बैकडोर्स की जो भर्तियाँ थी उनको कम्प्लीटली निरस्त कर दिया है, और उसके अलावा महिला आरक्षण के लिए जो है एक अध्यादेश लाने की वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो जो कल बड़ी खबरें रहीं उनके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल के दिन जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी ने जो है विधानसभा की जो बैकडोर की भर्तियां थी उनको जो है लगभग सभी को जो है निरस्त कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी उसमें दुखी थे। तो इसी में आप देख सकते हैं, जिनकी नौकरियां गईं उनका कोई कसूर नहीं, मैंने गलती किया, मुझे जनता ने घर बिठाकर सजा दी, ये कहना है कुंजवाल का। आप देख सकते हैं जिस तरह से सबसे ज़्यादा भर्तियां जो है इनके समय काल में हुई थी, लगभग 150 से ज़्यादा इन्होंने जो है भर्तियां की थी, जिसके विरुद्ध में आपने देखा होगा तमाम तरह की जो है आवाज़ें लगातार यहाँ पर उठती रही थी। तो आपने देखा होगा कल, अगर आपके पास तमाम एक्सक्लूसिव वीडियोज आए होंगे, तो कई उसमें जो फीमेल थी वो काफ़ी जो है रो रही थी। ठीक है, तो आई थिंक उनका दर्द आप जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा ऋतु खंडोड़ी के फैसले के बाद अब मनमानी नहीं चलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा संविधान की जो व्यवस्था है, जो रूल और जो रेगुलेशन है, उसके अनुसार ही अब यहाँ पर जो है पूरी भर्तियाँ होंगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि हर बड़े छोटे नेता के रिश्तेदार की हुई एंट्री। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा की भर्तियों में प्रदेश के हर रसूखदार अपना या फिर अपने परिजनों को एंट्री कराने में कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई लिस्टों में बड़े बड़े दिग्गजों के करीबों के नाम भी सामने आए। इसमें ना केवल कांग्रेस के रिश्तेदार थे, बल्कि यहाँ पर जो है आपने देखा होगा भाजपा के यहाँ पर रिश्तेदार भी थे। यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला है, विधानसभा की जो भर्तियाँ थी बैकडोर से उनको जो है निरस्त कर दिया गया है, और इसके लिए जो है सभी जो बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ऋतु खंडोड़ी की तारीफ की है। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बड़ी खबर है कि विधानसभा सचिव सिंघल अनियमितताओं के कारण जो है यहाँ पर जो है इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर थी कि वादा था कठोर निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी ऋतु खंडोड़ी। अब ये वाकई एक कठोर निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। विधानसभा की जो बैकडोर की भर्तियाँ हैं उनमें जो स्पीकर है ऋतु खंडोड़ी ने बड़ा डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इफेक्टेड कौन हुआ? वो लोग जो इसमें नौकरी करते थे, लेकिन जो जिनका सबसे बड़ा हाथ था, जिन्होंने यहाँ पर इनको नौकरियाँ दी, क्या वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। तभी यहाँ पर ये जो इनकी लाइन है, वादा था कठोर निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी, तभी ये यहाँ पर इस जो ये वर्ड है उसकी सार्थकता नज़र आएगी। नहीं तो जिन लोगों को आपने हटा दिया उनका तो अब क्या ही कहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सबसे बड़ी वानगी है, आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर बना इस्तीफे का दबाव, और भाई साहब जो है जर्मनी में स्टडी टूर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपनी नौकरियाँ गंवा दी, कई लोगों की जिंदगियाँ जो है ख़राब हो गई, लेकिन यहाँ पर अवैध नियुक्ति देकर ये भाई साहब जो है जर्मनी में स्टडी टूर कर रहे हैं। अगर वाकई इन पर भी कार्रवाई हो तो तभी धामी सरकार की जो है असली रणनीति जो है समझ में आएगी। कर्मचारियों ने किया जो है खंडोड़ी का घेराव, तो जैसे कि आपको पता है जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो है कई कैंडिडेट्स ने जो है उनको घेर लिया था। भर्तियां निरस्त करना अधूरा फैसला महाराज, जी हाँ, मैं भी जो है यही बात कह रहा हूँ कि भर्तियों को निरस्त करना अधूरा डिसीजन है। डिसीजन तब यहाँ पर होगा जब उन्होंने कहा कि महारानी जांच कमेटी की वैधानिकता पर फिर सवाल उठाए, कहा वर्ष 2000 से अब तक हुई भर्तियों की जांच की जानी चाहिए थी, जबकि बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को नियुक्तियां
करने वाले और करवाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों ने इनकी भर्तियां की उन पर कोई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, एक बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क उठता है। तो यहाँ पर विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है इनको जो है बातों को आगे लाने में। तो आप देख सकते हैं नौकरियां लेने वालों पर हो गई कार्रवाई, देने वालों पर जो है यहाँ पर कब कार्रवाई होगी। तो ये तो बड़ा एक सवाल उठता है वाकई में जो है विधानसभा अध्यक्षा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि वाकई जिन लोगों ने नौकरियां पाई उन पे तो कार्रवाई हो गई, उनके घर फैमिली परिवार और उसके अलावा जो उनका जीवन था वो तो हो गया ख़त्म, लेकिन अब जो जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा खेल रचा उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई कब होगी। ठीक है, उसके अलावा अगली न्यूज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिन भर्तियों में पहले शुल्क दिया अब उनके आवेदन होंगे निःशुल्क। इसके ऊपर जो शासनादेश हुआ था वो जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है पारित कर दिया है और उसको लेकर हमने कल ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, उसके अलावा नियम ना कायदा अर्जी पर दे दी नौकरी, जैसे कि आपको पता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल ऋतु खंडूड़ी मैम ने भी ये कहा था कि इनके लिए ना कोई भर्ती जारी हुई, ना विज्ञापन जारी हुआ, ना सेवायोजन कार्यालय से किसी कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगा गया, बट एक एप्लीकेशन लिखा गया और सीधे यहाँ पर जो है नौकरियाँ दे दी गई। और उसके अलावा संविधान के कई नियमों को और कई चीज़ों को ताक में रखकर ये चीज़ें की गई। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।